मैं पूछना चाहना जिन्होंने तुम वोटा पाने हो जिन्होंने नाल तुरद हो कोई पार्टी माड़ी नहीं होंगी कोई बंदे नहीं माड़े होंगे सिर्फ सोच माड़ी हो जाती है। चंगा भला पंजाब जो रहा चंगा भला सब कुछ हो रहा लेकिन आप दसो दर्ज पाने की की लोड़ सी एक एमएलए एक मंत्री कि पैसा चाहिए दसो 5 लाख 10 लाख रुपया थोड़ी महीने की इनकम है राशन फ्री लोग तुम सलूट मारते हैं लोग थोड़े पैर च पेंदे है जहाज फ्री होटल फ्री की चाहिए ए लव चूसना इन्हों का मजदूर का अपने किसान का और रब के वास्ते खुदा तो डरो तो सही इन्हों का रूल चूस के इन्हू तंग करके दुखी करके देखो सारे किमें पिछे मैं जब थोड़ा देखना ना मैं अक्खा मीच के घर जाके शक्ल सारे सामने आदियां तो मैं अपने आप को सवाल पूछता भी है खुदा ए तेरी धरती के प्यारे लोग ने तू इन्हों इस तरह क्यों किया तो आवाज आती है कि इन्होंने जाके कह और बुलंद आवाज कह कि तुम अपने गुरु तो बेमुख हो इस करके थोड़ा हाल है राजनीति छड दो बोत मारा खा लिया कले कले लड़ दे के हक्का वास्ते बोत हारा खा लिया कट्ठे होके लड़ो लड़ो जंग एक है जंग यार पार दे भन्नने ही पैने सानू मूह रल के बुरी सरकार दे भन्नने ही पैने सानू मूह रल के बुरी सरकार दे पंजाबी सांभ ले पंजाब नू नहीं तो खुस जाना है भगत सरा पे तुसी भुल गए किवें गुरु रुस जाना है चंडी नू धरावे ना जो ध्यान धर के बहजे विच गार दे चंडी नू धरावे ना जो ध्यान धर के बहजे विच गार दे उठो नौजवान ललकार बन के समय ने वंगार दे सूरबीर चोर सदा मरते नहीं है कायर मर जाते ने कौम दे नहीं कदे सर दोंदे सी हुण किथे है हुण डटे होए मैदान दे विच सरदार योगराज सिंह जी अक्सर हरेक स्टेज ते कहंदे हुंदे है साडे सरकारी प्रोफेसर भोगल साहब उन्होंने विचार बड़े अणमोल 2 मिनट इत्थे पास हो जाए प्लीज एक भाई पास आप बात करांगे जो करना मैनू आपके प्यारे नाल गल करनी है अगला बेनती हाथ जोड़ भी बात आप पिछे गल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पंजाब की धरती ते रहण वाले लोगो मेरे प्यारे हो मेरे हम नवाजो भाई पुत पीछे हो जाए क्यों करी सजनों मेरिया धियां मेरिया भैणा मेरिया माता मैं कोई कलाकार नहीं ना मैं कुछ आंदा तो ना ही मैं बोलना आंदा मेरा हाल वह धन्ने जाकर गया जिहड़ा जाके मंदिरां च पुछदा फिरदा सी मैनूं ठाकर चाहिए ठाकर दे दिओ ते किसे पंडित ने जा गया फड़ा दा पत्थर के लै जा भाई वह कहिंदा ठाकर है कहिंदा हाँ भी उन्हें जाके सजा नहा तो आगे उत्ते पा के रंग रुंग बह गए चौकड़ी मार के वाह चिर बैठा रहा 6 महीने 7 महीने 8 महीने भुखा तै रोटियां बना के रखी है कहने कथे खावे मुड़ के फिर हाजिर होना पिया खुदा प्यार की गल है मेरा वह हिसाब है मेनू ड्यूटी लगी है गुरु घर तो बुजुर्गो मेरे प्यारियों थोड़े चरणों च नमस्कार है मैं गुरु घर का गरीब बच्चा गुरु घर का कुकरा जिन्हें गल च पटा पाया तो ए वेखी जाता कि मालिका मेरे मुंह च भी टुक पऊगा कदे
यो गल है कि भाई नंद लाल जी प्रशादा लेके जाते दसवें पातशाह जी का रोज तो एक दिन बह के कोल जब तक वो प्रशादा छकी जाते कोल बैठे रहते सी। एक दिन प्रशादा छकते छकते एक कुत्ता आके बह गया किले ते। गुरु साहब ने मूंह का टुक चा के कुत्ते नूं पाता तो भाई नंद लाल जी जाके पिकर थले रोन लग गए। पप्पू थले बैठे रोई जाते। अगले दिन रोटी लेके सिंह गया। प्यार की गल दसदा तुहानू ते गुरु महाराज ने कहा भाई नंद लाल जी कित्थे। कहिंदे महाराज पता नहीं 24 घंटे हो गए विराग च बहुत ने पातशाह उठ के चले गए। देखो बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी उठ के चले गए। भाई नंद लाल जी कहिंदे मेरे तो कोई गलती हो गई। नंद लाल जी की गल है उठ के जफ्फी पा ली रोण लग गए। कहिंदे गुरु महाराज मेरे नालों तो कुत्ता चंगा जी नूं तो अपने हथ का टुक पाया मैनू इन्नी देर हो गई मैनू पैरां दी थोड़ी देर। प्यार ये मैं गल्लां तुहानूं तां सुणाउण आया ये साडी नौजवान पीढ़ी इन्हां नूं दसण आया और जिहड़े बजुर्ग बैठे ने दो कुर्सी ते इन्हां वल वेखिओ जे मैं उस दर्द दा मारिया आया। बाबा जी दे चरणां दी कसम रोज रात नूं रोना रोज मेरी अखां चों नीर वगदा ये देख के कि जिहड़ी पंजाब दी धरती रब ने साजी सी गुरुआं ने साजी सी अज उहनां दा की हाल है। ये साडे करके है साडे वड़वड़ेरिया करके है। लेकिन एक गल मैं जरूर कहूंगा मेरे वीरों शांति बना के रखियो जी। यो धरती है जिथे रामचंद्र जी का निवास जिथे कृष्ण महाराज जी का निवास गुरु पीरों का निवास पीर परमेवा का निवास देवी देवते का निवास है। आप उन्होंने सुपुत्र हाँ क्योंकि प्रबंध के मालिक ने। मैं चाहना कि जैसा पंजाब गुरु साहब के वक्त सीगा जिथे सा कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं कोई सिख नहीं कोई ईसाई नहीं एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे एहो जिहा पंजाब आपां बनाउणा है। एक बुकल च लै के जिहड़ा रिक्शे वाला उहनूं भी जप्पी पाउणी है जिहड़ा रूड़ी वाला रूड़ी चकदा उहनूं भी जप्पी पाउणी अपनी हिक नाल नाल तां अपना पाल उतारा होणा जे मेरी गल याद रखियो जे। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है तुहानूं सारे नूं हाथ खड़े करियो जे अज तो बाद जे तुसीं मैनूं अपना पुत्तर समझदे हो भरा समझदे हो सज्जन समझदे हो मीत समझदे हो आपां इहनां लेखा अपने धर्मां ते अपने वर्ग ते फर्क नहीं पाउणा क्योंकि गुरु साहिब आपां नूं कहे गए एक नूर ते सब जो कुछ गया कौन भले को मंदे। ये गल्लां करदे रामायण दीआं ये गल्लां करदे महाभारत दीआं आ साडे रहनुमा सानूं दसदे रामचंद्र जी दीआं गल्लां करदे है कृष्ण महाराज जी दीआं गल्लां करदे है। कृष्ण महाराज महाभारत की लड़ाई तो पहला जिहड़ा कि हुण अंदोलन की लड़ाई तो पहला गल चल रही है कौरव दे पांडवां नूं बिठाया की कहा देखो भाई किसे दा हक नहीं लईदा किसे नूं रोजी रोटी तो बेदखल नहीं करीदा किसे दीआं जायदादां जमीनां नहीं लईदीआं। चलो तुसीं कुछ भी ना दिओ तुसीं थोड़े कहिंदे तुसीं पांडव थोड़े ने पंज ने चलो तुसीं पंज पिंड दे दिओ एडी वड्डी रियासत चो पंज पिंड ही दे दिओ सानू साडा पंजाब ही दे दिओ कि खोई जाने हो गल उत्थे मुकदी है ते की कहिंदा दुर्योधन कहिंदा तुसीं पंज पिंड दी गल करदे हो मैं 1 इंच जमीन नहीं देनी गल मुक गई। कृष्ण महाराज उठे गल हक सच दी सी मैं ठीक कह रहा उठे कहिंदे चंगा फिर मैनू भी बढ़ लो ते दुर्योधन कहिंदा 10 लाख फौज आपकी दे दे जू पिछे जाने का। देखो हंकारिया बंदा रब नूं भी नहीं पछाणदा उहदे भेजे होए दूतां नूं भी नहीं पछाणदा ते कृष्ण महाराज ने फिर लड़ाई लड़ी फिर की होया महाभारत तुसीं सारे ने पढ़ी है। रामचंद्र जी की गल करदे ने मेरे नाल बैठे तां सही सारे आके मैं दसा कि रामचंद्र जी की चीज सी सारी जिंदगी दुख भोगिया उन्होंने अखीर चाह के कि मेरी अमाव खुश रहे मेरे लोग खुश रहन मेरा टब्बर खुश रहे। टब्बर की हुंदा है आ टब्बर है आ वड वडे भरा भैन सज्जन मीत बजुर्ग धियां भैणा यह टब्बर है। उस टब्बर नूं खुश रखने की खातर उन्होंने अपना घर पट लिया
सीता माता जी महान और कह लगे राजा मैं तेरे मुंह से शिकन नहीं देखना चाहती। देखो और थोड़े दासी हो गए जिनली हो गए तहजी हो गए मैं सारे दुख भोग लूंगी पर तेरी प्रजा को यह बंदा तेन ये ना करे आज मेरी प्रीख्या का वक्त आ गया। रामचंद्र जी ने उस तो बाद तैयार किया कि तू चली तो है पर मेरा शीस सुख चुकता तेरे चरना थले लाई तो बाद बिस्तर ते नहीं पड़ा थले पऊंगा। इन्हों गल पढ़ा चाहिए है जो लोगों को दसते हैं कि मूर्तियां जरूरी ने 20 करोड़ के जहाज 80 करोड़ के जहाज जरूरी ने और रहनुमा सुन मेरी गल जेड़ा बंदा रब की बनाई हुई आवाम धक्के दे दुख दे बंदे की कबर से लोग थुकन नहीं चाहते जिवें औरंगाबाद औरंगजेब की कबर से कोई चादर चढ़ा नहीं चाहता। उसे दीवा बालन वास्ते भिखारी खानदान चो तेल मंगते फिरते हैं कि बाबा थोड़ा तेल दे दे मैं दीवा बनाऊ। जब मैं गया सी मैं गल सोचने लग गया मैं कहा देख तू देख औरंगजेब जी ने गुरु तेग बहादुर जी ने शहीद किया छोटे छोटे बच्चों नहीं हथ चुनाता देश तेरे वाल तेरे ते थुकन कोई नहीं आता तो सोच देख गुरुआं दे करे किन्ना पैसा किन्नी दुनिया मत्थे टेकती फिरती है तो सिखिया लेती फिरती है और रब नाल जुड़न का पाठ पढ़ाती फिरती है। यह फर्क है होना इन्होंने भी यही इन्हों की कबरों से किसी ने थुकन नहीं जाना लेकिन दुख इस गल का है अफसोस इस गल का है कि साड़ी जिंदगी से धिकार है जी जिंदगी से जी आप इस गुलामी प्रस्ती से अज भी चाहे हैं। मिनट लगे होने गल हो रही सी पार्टी दिया वोटा दिया बुलाए गल कर रहे सी वोट पैंदी किवें रात को आके शराब बंडती भुक्की देती टीम खा ली सवेर नूं वोट पाती एक करतार बनाया इस करके इस पंजाब का हाल होया इस करके आप इस जगह से बैठे। मैं माड़ा जा रणजीत सिंह का राज पढ़ रहा माड़े पिछे हुए जी 40 साल राज महाराजा रणजीत सिंह दे होया और सुनो कदे धर्म पिछे लड़ाई नहीं हुई कदे किसी नूं मौत की सजा नहीं ली कदे किसी दंगे नहीं हुए कदे दुकानां नूं ताले नहीं लगे धीआं भैणां रात नूं जेवरना लदियां सोने लदियां जांदियां सी किसी की चुरत नहीं सी अख पट के देख ले ऐसा राज 40 साल की सिखिया ऐसे जरनैल बाबा ऊधम सिंह जी हरि सिंह नलवा जी अकाली फुला सिंह जनरल जनावर सिंह ऐसे जरनैल हुए राजा वड्डा नहीं हुंदा राजे दे अहंकार वड्डे हुंदे है। जेड़ा राजा कल्ला दा कच्चा होवे उहदा हाल यही हुंदा है जदके गुरु साहब ने कहा है जिहड़ी गल तपो राज राजो नर्क वह छेती आने वाला थोड़े सामने दिखता है। मैं मुल्तान की लड़ाई पढ़ रहा सी तुसी मैं कहा पैसे एजेंसियों नहीं देने लीडर नहीं देने आके तुसी अरबा रुपया दिता है पंजाब के उत्ते पैसा लाओ और मेरे NRI ने मैं बधाई के पात्र ने उन्हें कसम खाती है योगराज जी तेरे सिर की सौ एक एक पिंड समझा गए मैं जीवन वास्ते रहो बस यही चाहिए सी शहीद हो गए इतने भी बाजार लगता है असानी रिकवाई तो बचाओ मना नहीं लेना लोगों ने पगल भी ला के रखती है सानू बचा लो इनक्वायरी अमृतसर तो दिल्ली चली गई इनक्वायरी बंद हो गई। मैं पूछना चाहना जिन्होंने तुम वोटा पाने हो जिन्हों के नाल तुरद हो कोई पार्टी माड़ी नहीं होंगी कोई बंदे नहीं माड़े होंगे सिर्फ सोच माड़ी हो जाती है जिवें हुण होई है चंगा भला पंजाब जो रहा चंगा भला सब कुछ हो रहा लेकिन आप दसो दर्ज पाने की की लोड़ सी लोड़ है किन्ने पैसे चाहिए है और थोड़िया अखीर कबरें बननी इन्हें तो समझ लो तुम। मैं अडानी पूछना चाहना अंबानी पूछना चाहना मैं भी मुंबई 14 साल नौकरी की है और तुम राजदे नहीं थोड़ू कि पैसा चाहिए एक MLA एक मंत्री कि पैसा चाहिए दसो 5 लाख 10 लाख रुपया थोड़ी महीने की इनकम है राशन फ्री लोग थोड़ा सलूट मारते हैं लोग थोड़े पैरों च पेंदे है जहाज फ्री होटल फ्री की चाहिए यह लव चूसना है इन्हों का आ मजदूरों का आपने किसानों का और रब के वास्ते खुदा तो डरो तो सही
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਚੂਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆ ਖੁਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਔਰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕਹਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੁਣਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਗਾਹ ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਕਿ ਹਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਕਸਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਜੇ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਹੁਣ ਹੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਮੇਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੇਡੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ, ਉਹ ਬਲਦ ਵੀ ਸਾਂਝੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ। ਐਨੀ ਕੁ ਬਾਈ ਹੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਓ। ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਭਾਲ ਲਏ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ, ਵੱਡੋ ਡੇਰੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਰਜੁਨ ਮੇਰੇ ਰੱਥ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਮਾ ਸਮਾ ਸਮਰੱਥ, ਵਹੀ ਅਰਜੁਨ ਕੇ ਤੀਰ, ਵਹੀ ਅਰਜੁਨ ਕਾ ਰੱਥ, ਮੇਰੇ ਰੱਥ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਦੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਡਰਪੋਕ ਕੌਮ ਜੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲ, 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰਵ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 10-12 ਬੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁੜ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੈਸਲਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਤਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਜ ਬਲ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰੂਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਲੋ ਨੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰੂਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰੂਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰੂਆ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆ ਚਾਕਿਆ ਜਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵੱਲ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰੂਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚਾਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਲੋ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਤੀ,
ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਥੇ ਚਾਕਣਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 2000 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਲਤਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਤੀਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤਕੜੇ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪਾਸ ਕਰ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਬਥੇਰਾ। ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਸਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਕਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਮਰ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੌਕਾਨ ਮਰ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਥਾਪਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਗੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਤੈਨੂੰ ਫਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਰੂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੀ, ਉੱਘੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਮੈਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਤ ਮੋਹਨਦਾਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਥਾਪਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਯੁਧਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਯੋਗ ਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯੋਗ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਨ ਦੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਯੋਗ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸਰ, ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਯੋਗ ਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਕਾਹਤੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਜਗਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਢੰਡਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ, 100-100 ਕਿੱਲਾ ਵਾਹ ਦੇਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਹਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਲਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਤਤਾ ਤਤਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਬਲਦ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਕਣਕ, ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜੱਟ ਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
शाम को उन्हें 6-7 बजे अपना हल जोत के वापस आना है। वो चीज मैं बड़ा होया, ठीक है, वो मैं देखिया किसान किस तरह एक कणक नूं पालदा, जिवें बच्चा पालीदा आपां, धुप छां तों उहनूं संभाल के रखदा और फिर जद उहनूं फसल नूं वड्डा करदा है और अपने ढिड च नहीं इन्ना पाउंदा जिन्ना लोकां दे ढिड च पाउंदा। साडा पंजाब जिथे मेरा मन भर जांदा गल्लां करदे, जिथे सारा पंजाब आप ही नहीं खुशहाल सीगा, आप ही दाने नहीं सी खांदा, आप ही रोटी नहीं सी खांदा, सारे देश नूं भी दिंदा सी ते देशों बाहर लिया मुल्कां नूं भी खवांदा सी। उस किसान दे हिक च जिहड़ा बरछा कढ़िया गया, यह बरछा मेरे भी हिक च पिया और मैं महसूस किया, हालांकि मैनूं इस गल का पता नहीं सी। मैं टाला साहब जाना हुंदा, बाबा दीप सिंह जी महाराज उत्थे, दर्शन सिंह जी महाराज विराजमान ने, मैं उन्होंने कुदरती कहा, मैं क्या जी मैं हूँ बहुत रब ने देता बश कर लिया, हूँ मैं दाग ला जाना पांच सिंह तो मैं इतनी मेरी रूह रह जे तो मैं बाबा जी की सेवा करनी है। तो मैंने कहने लगे, नहीं बेटा बह जा मेरे को, भी अजय गुरु करने तो बहुत सेवा मैं लैनी है, अजय टुटिया जोड़ना तो आप बहुत कम करना। मेरे गल उदो समझ नहीं सी आई, मैं घर आ गया, अगले दिन अंदोलन शुरू हो गया जिस तरह हूँ अब आप बैठे। सो जो सवाल पूछे, सवाल का जवाब मैं ना रुग भर के दे सकता कि हूँ भी जब रैली चलती है या मैं सामने अख चख पा के बजुर्गों को देखता, अधखड़ उम्र के बाबे को देखा या मातावान देखता, मेरा दिल भरता। कोई ऐसा दिन नहीं है मैं घर जाके रोंदा नहीं, मैं बहुत कोशिश करता मेरे हंजूर रोकने की पर रुकते नहीं, क्योंकि मेरे दिल च एक प्यार मुहब्बत का जिहड़ा मुजस्मा है वह फुट पैदा है कि आखिर केड़ी ऐसी गल है खुदा अन्नदाता जिदे पैरी हाथ लाने चाहिए है, जिदे सामने सिर चुका देना चाहिए है, वो अन्नदाता जिहड़ा रोटी दुनिया नूं दे रहा है तेरे थापड़े नाल तेरे हुक्म नाल, अज उन्हां दी आ दुर्दशा हो रही है। इस करके मेरा मन रोंदा है, मैं घर जाना वड वडेरे दी फोटोआं लगी हुई हैं, भाई जोगा सिंह दियां, बाबा खड़क सिंह दियां, जोरावर सिंह दियां, पगेल सिंह दियां, ज्ञान सिंह दियां, मैंने पुछदे आ तेरी फोटो साढ़े नाल लगन योग है, मैं हाथ जोड़ के खड़ जाना और मैं आवाज मारते हैं कि गुरु घर चो तेनों आवाज आई है, चल किसान को चल उत्थे तेरे वड वडारे, तेनों जमीन इस धरती तो तेरी माँ ने पालिया व्डा किया, पंजाब ने पंजाब के तू घर घर का ऋणी है। मैं शूटिंग करता सी, मैं हर पंजाब के घर च रहता सी, अज मैं किन्ना प्यार मिले इस घर च, रोटी खवाई है जी आया नू, बैठे फोटो खिचाई है, ये किदे करके किसानां ने भी तुहानू हत्था ते चक्किया जी, किसानां ने हर हर वर्ग ने हर माँ ने हर धी ने, योगराज सिंह देना कित्थों दे दे, मैं तो अंदर भी बाथरूम च रुक गया है कि महाराज मैंने जोगा नहीं सी जिन्ना जो प्यार मैनू मिल रहा है, ये आफ्टरऑल मैं कर्ज मैं करजा नहीं चुका सकता। ये साडे बजुर्ग वड वडेरे ये लोग जिहड़े इन्ना माण दिंदे, मेरे ये ड्यूटी तो बनती है कि मैं आपदे उस पंजाब की धरती वास्ते किसानां वास्ते शायद गुरु ने मेरे पल्ले गल पाई है और मैं मेरे बहुत खुश नसीब इंसान हूँ कि कल नूं मैनूं नहीं पता की होना की नहीं होना, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, मेरा भी दिल मेरी भी आत्मा कहती है जे इस धरती पिछे इस लोगों पिछे तू कुरबान भी हो जाएगा तां भी थोड़ा, क्योंकि तू कई जन्मों के जाके किसान का पंजाब की धरती का मावा तियां का बजुर्गों का कर्जा नहीं ला सकता। इस करके मैं तुरै फिरदा। मैं जब घरों चलिया सी ये भी थोड़े नाल शेयर करना चाहता, कोई सवाल ही तुसीं इहो जिहा पुछे है, मैं अपने घरदिआं नूं बिठाया यूवी होनी सारे बैठे, मैं कहा बैठो, मैं कहा भी एक गल मैनूं दसो, जो कुछ तुहाडा बाप कर रहा गलत कर रहा कि ठीक कर रहा, कल नूं मैनूं इह ना कहो जी थोड़े करके साडे छिट्टे पए, अज ही बेदखल मैनूं कर दिओ या तुसीं बेदखल हो जाओ। मैनूं सारे ने जप्पी पा के कहा कि सानूं नाज़ है तुहानूं फकर है कि पिता जी साडा बाप ऐसा, जे तू शहीद भी हो जाएगा तो भी सानू फकर होगा भी तू साडा प्यो। यूवी ने मैनू कहा कहिंदा पापा एक बार मैं जान की बाजी लाई सी देश वास्ते, तुसीं मैनू कहा सी छड्ड दे, मैं कहा नहीं मैं मर गया तो वर्ल्ड कप मेरे हाथ चुना चाहिए, अज मैं थोनू कहना परिवार के प्रति सारे परिवार वालों जाओ, जे तेरे सिर की भी लोड़ पई जे तू सी भी की समझेंगे साडा बाप नहीं है। इस करके सर अपनी की भारत सरकार आ थोड़े बेटे ने विश्व पद्धर का प्रसिद्ध थोड़ा बेटा थोड़े वांगू कि वो जे सिफारिश करे रिक्वेस्ट करे, क्योंकि किसानों ने तो तरले मिनता कढ़ ले हुण आपदी आई ते आए हुए आ, हुण मोदी साहब जिस तरह कह रहे हैं
वे कि जेडे आर्डीनेंस आए तीन कानून आए मैं थोड़ा रसगुल्ले खवा रहा गुलाब जामुना खवा रहा पर किसान कह रहे हैं ये साढ़े शूगर आडे वास्ते जहर आ हुण इहनू रसगुल्लियां नू ते जहर नू शूगर नू आपां किवें कंट्रोल करांगे की मन सकदा तुहाडे हिसाब नाल अपने प्राइम मिनिस्टर मन सकदा हाई कमांड मन सकदी इहनां नू जां की भविख बारे थोनू की लग रहा भी किसान की चाहते हैं की बनूगा इस दा लोग सारे चिंतित आ वेखो वेखो सारे कह देंगे वेखो वेखो की बनता तुसी इहदे बारे थोड़ा संखेप दस के मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं खराब करता मेहरबानी नहीं नहीं मैं थोड़े कोल बैठा भावें सारी रात बैठाओ मैं है ही इसे काम पिछे बंदे नू बड़ा कई बार गलत फहमी हो जाती है औरंगजेब नू बड़ी गलत फहमी सी हिटलर नू बड़ी गलत फहमी सी स्टालिन नू बड़ी गलत फहमी सी जिहड़े हुण होए ने राजे बाबर नू बड़ी गलत फहमी सी कि जी सब तो वड्डा कोई नहीं ये तां अज दे छोर ने छोटे छोटे इन्हां तक पल्ले कुछ नहीं हैगा पर मैं समझदा कि तुसी ये गल क्यों करदे हो कि जी की होगा वह होगा जो गुरु का हुक्म होगा और गुरु का हुक्म यह कहता है कि मैं लड़ाई थोनू जित के दूँ क्यों क्योंकि सच तो झूठ की लड़ाई है ये शैतान की तो अच्छाई की लड़ाई है और मैं खुदा हाजर नाजर सुन भी रहा देख भी रहा मैं अच्छाई के नाल खड़ा और अच्छाई की जित मैं तलवार की नोक तो करके दूंगा ये लड़ाई आप जितांगे और जरूर जितांगे क्योंकि गुरुओं का फरमान है तो रब का फरमान थोड़े कहने अनुसार किसान जित हासिल करे ही करे क्योंकि सच तो झूठ की लड़ाई है क्योंकि सच की जित होनी ही लाजमी है इन्ना कुछ कहता हुआ कि मैं जचका सुखचैन सिंह जीवनवाला रिपोर्टर पहरेदार।